हाय स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो है इसी से संबंधित कुछ प्रश्न किए हुए थे। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये जो हमारे पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कह रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी 3.3/2, 3/4 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल ये दे रखा 369/512 हो जाए। तो इसका मतलब है क्या कि हमको यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में बात हो रही है, पदों की संख्या। अब दे क्या रखा है, पहली बात प्रथम पद ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 है। अगर देख लिया जाए आर कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद ठीक है, और अपान में प्रथम पद अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि हमको बताया अपान में 3 होगा, ये 3 ऊपर बन जाएगा ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना निकल के आया, आर इक्वल टू निकल के आया 1/2। हमको पता है कि 1/2 जो है वो आर लेस देन 1 है ठीक है, आर लेस देन 1 है। इसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। पदों की संख्या n हमको ज्ञात करनी है। साथ में sn पता है हमको कितना दे रखा है 3069/512 ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा sn इक्वल टू का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जब r लेस देन 1 हो तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a ब्रैकेट ये बनेगा 1 r की पावर n/1 r ठीक है। हमको पता है कि sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3069 दे रखा है। अब यहाँ पे अपान में कितना दे रखा है, 512 दे रखा है, इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, 1 r की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर n ठीक है, ये पावर n है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इधर। और अपान में अगर देख लिया जाए 1 - 1/2 तो 1/2 बनेगा, 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो ये अपान में ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास सिचुएशन देख लेते हैं क्या बन रही है। सिचुएशन जो है ये यहाँ पे दे रखी है कि 3069/512 ये दे रखा है 6 ब्रैकेट 1 - 2 की पावर n ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब हमारा काम क्या रहेगा कि 3069/512 की 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा ठीक है। हासिल लगा कितना, 1, 6 + 6 = 1, 7 और 6 = 30 इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n लिखा जा सकता है। हमको पता है इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो 1/2 की पावर n इक्वल टू क्या लिख दें, 1 - 3069/3069 में कितना हो जाएगा 3072 ये बात लिखी जा सकती है। हमको एक बार पता और हो जाएगी क्या, 1/2 की पावर n इक्वल टू अगर देख लिया जाए यहाँ पे इसको इधर लाएंगे ठीक है, ये हो जाएगा 3072 और ये दे रखा है 3069 ठीक है। इसको जो इससे घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी, 3/3072 ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, इसको जो है यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, हमको पता चल रहा है कि 1/2 की पावर n इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो 3 × 3 ये बनेगा कितना 0, 3 × 2 = 6, 3 चक्के कितना हो जाएगा
तीन चक्के 12, तीन दूनी 6, तीन चक्के 12, तो कितना हो जाएगा इसको अगर देखा जाए 2n इक्वल टू ये हो जाएगा 1024। अब देखें करना क्या पड़ेगा, 2n इक्वल टू ये 1024 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 512 10। तो ये हो जाए 2n। हमको पता है कि यहाँ से n इक्वल टू कितना वैल्यू निकाल लेंगे, 10 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये बात फिर से समझ लें, करना क्या है कि हमको पता है कि a इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 1/2 और हमको पता है r लेस देन 1 है। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल टू ये हो जाएगा 3069। ठीक है, 3069 अपॉन 512, ये दे रखा है कि Sn इक्वल टू a ब्रैकेट 1 r की पावर n अपॉन 1 r दे रखा है। इसको इधर Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू उठा के दे देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 512, क्योंकि यही दे रखा है ये वाली वैल्यू Sn। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी, 1 r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व कर देंगे, यही आंसर निकल के आ जाएगा, n इक्वल टू ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, n इक्वल टू 10 निकलेगा, यही आंसर निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है हमारे पास। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, रखा है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करो। सार अनुपात भी ज्ञात करना है और पदों को भी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमको पता है कि जब तीन पद, जब गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद मानने को आए तो हम लोग पहला मानते हैं ए, उसके बाद में हो जाता है ए आर, फिर होता है ए बटे आर। ठीक है, ऐसे हम लोग 3 पद मान लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि ए बटे आर, ऐसे भी समझ लें, ए बटे आर, ए और ए आर। ठीक है, ऐसे 3 पद मान लेते हैं, मानने की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन जो बनती है, क्या अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे क्या रखा है, हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बातें समझें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे क्या रखा है यहाँ पे देख लेते हैं। हमको एक बात पता चल रही है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए कि जो पद बनेंगे वो योगफल, प्रश्नानुसार एक बात समझे, योगफल 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, योगफल अगर इसका अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या निकलेगा, योगफल, योगफल इसका बनेगा कि ए योगफल हमारे पास कितना है, a प्लस ए आर प्लस ए बटे आर। ठीक है, ये योगफल निकल के आया है, हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखा है 13/12, ये इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए बटे आर इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमको पता है कि उनका गुणनफल, इसका गुणनफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पर पता है कि a इंटू ए आर इंटू ए अपान आर, तो यहाँ से देख लेते हैं ये -1 है, यहाँ पे ध्यान रखें -1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है कितना, माइनस का 1, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या कि ये से ये वाली कैंसिल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और a क्यूब अगर वैल्यू अगर निकाली जाएगी -1 बनेगी, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। अब a की वैल्यू -1 है, उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास सिचुएशन देखें
जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगा कि 13/12 ठीक है इक्वल टू -1 और माइनस का ये हो जाएगा r, माइनस का r और माइनस का ये हो जाएगा a की वैल्यू -1 रखनी है तो माइनस का 1/r। भाई सिचुएशन यही तो हमारे पास नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है। अब देखें हमारा काम क्या रहेगा, ये काम रहेगा कि 13/12 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई से करवा दें तो 13r इक्वल टू यहाँ पे देख लें माइनस का 12r यही तो बनेगा ठीक है। और माइनस का अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12 बनेगा। अब देख लेते हैं जो जो पास पास उनको पास पास कर लेते हैं तो इधर ले आए तो 12r स्क्वायर ठीक है और ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 25r ठीक है और प्लस में कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ गई। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इसको जो है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं मतलब फैक्टर कर लेते हैं इसका। फैक्टर अगर करेंगे तो हमारे पास देखें क्या बनेगा कि 12 बराबर 144 ऐसा फैक्टर करना है यहाँ पे घटाने पर 25 है या जोड़ने पर 25 है ठीक है। तो हमको पता है कि 16 नामा कितना बन जाएगा ठीक है भाई 12 ये दे रखा है 12 बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 144 और यहाँ पे देख लिया जाए कि 16×9 ठीक है तो 16×9 की अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 144 हो जाएगा। ये हमारे पास निकल के आएगा 12r स्क्वायर ठीक है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16r प्लस का 9r प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं। यहाँ से कामन ले लेते हैं, जब यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ से कितना कामन हो जाएगा 4r कामन ले लें तो अंदर कितना बचेगा 3r ठीक है और प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 4 ठीक है ब्रैकेट क्लोज। प्लस में अगर देख लिया जाए ये वैल्यू कितनी बनेगी 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3r प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या कि 1r की वैल्यू क्या निकल के आई r की वैल्यू r या फिर सुने 3r प्लस का 4 एक ब्रैकेट में प्लस का 4 एक ब्रैकेट में प्लस 4r प्लस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। r इक्वल टू कितना जाएगा -4/3 एक ये वैल्यू हो जाएगी और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/4। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी तो पहला पद अगर देख लिया जाए पहला पद a/r ठीक है दूसरा पद a और फिर तीसरा पद ar ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a r तो a की वैल्यू कितनी निकाली माइनस का 1 निकाले हैं ठीक है तो ये हो जाएगी 4/3 ये माइनस का बनेगा 3/4 ये बनेगा a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और बटे माइनस का 4 तो ये हो जाएगा 3/4 कामा a की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 1 निकलेगी a इंटू आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी ये थोड़ा एक बार देख लें तब बाद आपको पता चलेगी r की वैल्यू यहाँ पे 4/3 निकालने हैं एक वैल्यू पहले हम लोग r की वैल्यू ये वाली वैल्यू रखते हैं ठीक है r की वैल्यू ये वाली रखते हैं ठीक है। जब माइनस का 4/3 लिखेंगे तो ये a की वैल्यू कितनी माइनस का 1 दे रखा है ना तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे r की वैल्यू कितनी माइनस का 4/3 दे रखा है तो
तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3/4 बनेगी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/4 बनेगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू एक निकल के आएगी, 3/4 निकलेगी, और एक ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1 निकलेगी, ठीक है। और ए आर की वैल्यू अगर देख ली जाए, ए आर तो -1 और माइनस का, तो ये हो जाएगी 4/3 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4/3 निकल के आ रही। अब देख लेते हैं अगली वैल्यू कौन सी बनेगी, अगर यदि एक्स बराबर -3/4 रखेंगे, एक्स बराबर -3/4 अगर रखेंगे, तो इधर थोड़ा देख लेते हैं क्या निकल के आएगी। एक्स बराबर इधर थोड़ा देख लेते हैं, ये एक्स बराबर अगर देख लिया जाए, माइनस कितना वैल्यू, 3/4 अगर वैल्यू रख दी जाए, तो ए की वैल्यू कितनी है, -1 दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, एक निकल के कौन सी आएगी वैल्यू, a बटे r अगर निकालेंगे तो -4/3 एक निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। और उसके अंदर में a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1 निकलेगी। उसके बाद में कौन सी निकल के आएगी, ये एक निकल के आएगी 3/4, ठीक है, 3/4 ही तो निकलेगी ar, ठीक है, 3/4। तो ये एक ये निकल के सीरीज आ जाएगी और एक ये वाली सीरीज निकल के आएगी, ठीक है। तो कैसे कैसे आंसर मैच कर ले, ठीक है, और कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो पहली सीरीज निकल के आई वो 3/4 -1 4/3, और एक जो वैल्यू निकल के आई है, एक वैल्यू जो निकल के आई है सीरीज 4/3 -1 3/4 r = -3/4 पे निकल के आई, ठीक है। तो किस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या है इसमें सिस्टम, आप लोग समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें और बताएं कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है।